पर मध्य प्रदेश में एक तरफ शिवराज सरकार विकास पर्व मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अनूपपुर जिले में करोड़ों की लागत से बनी एक सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। मामला अनूपपुर जिला मुख्यालय से महज 500 मीटर दूरी का है। बताया जा रहा है कि यह मार्ग लगभग 4 किलोमीटर का है, जो अनूपपुर मुख्यालय से सटे बरबसपुर पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत भोलगढ़ को जोड़ता है। इस सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग की देखरेख में किया गया। जहां पर पुल बनाना था वहां पर डोला से काम चला लिया। मिट्टी फीलिंग के समय ना तो सतह की जांच की गई और ना ही कंप्रेसर और ना ही रोलर का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर अधिकारियों और ठेकेदारों को जल्दी किस बात की थी? जब मीडिया की टीम ने जानकारी ली तो करोड़ों की लागत से बनी सड़क पानी में वही मिली। एमके न्यूज़ की टीम ने मौके का मुआयना किया और किसानों से भी जानकारी जुटाई। इस दौरान किसानों ने चौंकाने वाली बात कही। किसानों ने कहा कि सड़क बनी ही नहीं, वही नहीं बल्कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर जेसीबी मशीन से इसे तोड़ी है, लेकिन डर की वजह से किसान इसका विरोध नहीं कर सके। किसानों ने कहा कि सड़क के बह जाने से खेत में रोपा गया धान का रोपा बर्बाद हो गया है, लगभग मुझे 50,000 का नुकसान हुआ है। कुछ किसानों ने यह भी बताया कि जल्दबाजी में सड़क बनाई गई थी, जिसके कारण पानी निकासी की जगह नहीं बची। सड़क बनाते समय ना ही रोलर चलाया और ना ही कंप्रेसर का उपयोग किया गया। ऐसे में सड़क में दरारें आ गई। अनूपपुर से संवाददाता ओंकार सिंह की रिपोर्ट। जो पुल बह गया हाँ, वहां पर क्या आपकी खेत थी? खेत क्या नुकसान हुआ आपको? पूरा धान की फसल। पुल कैसे टूटा, कुछ इस बारे में जानकारी है आपको? तोड़ाए गए, कौन तोड़वाया है? इंजीनियर PWD के, वो ठेकहा रही। ठेकहा रहा? ठेकहा रही। ठेकहा का नाम जानते हैं? नाम भर में नहीं जान बाबू, पे ठेकहा आया इंजीनियर साहब का, वो नाम नहीं जान बाबू, मान लो थोड़ा कबरा है। अच्छा, कितना नुकसान हो गया लगभग? आधा खेत भट गई से और पूरा रोपा चले गई, वखर लेत लेत पूरा वो पल्ला वाले माल लेके बूढ़ गया, तो हम भरा इतना पानी उम सब रोपा लगी रही। रौतेल जी, ये जो मार्ग टूटा है बाढ़ की वजह से टूटा है कि मशीनरीकरण से इसको तोड़वाया गया है? मशीनीकरण से तोड़वाया गया है। कंफर्म है मशीनी की वजह से तोड़वाया गया है? जी कंफर्म है। आप रहे यहाँ पर? मैं रहा यहीं पर। लगभग कितने बजे ये काम किया गया है? सुबह 7:30 बजे करीब। 7:30 बजे किया गया है। और आप लोगों ने विरोध नहीं किया? बगल में किसान खेत है, बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि वो तोड़ देंगे ना, पुल बह जाएगा। पुल बह जाएगा हाँ। अच्छा, ये जो मार्ग बना है ये अच्छी क्वालिटी से बना था कि आनंद फानंद में बना था? अच्छी क्वालिटी से नहीं बना रहा, गुणवत्ता विहीन बना था। टेम्परेरी बना था। सुखलाल जी, ये जब मार्ग बन रहा था तो किस प्रकार से बन रहा था? आनंद फानंद में बन रहा था कि कंप्रेशन रोलर सब प्रक्रिया से बन रहा था? यह प्रक्रिया से नहीं बना है सर, विदाउट प्रक्रिया से बना है। ठेकेदार को जानते कौन है? ठेकेदार इंजीनियर साहब? मैं नहीं देखा। और ये रोड किसकी है? PWD का। PWD का रोड है, मतलब आप देख रहे थे, आप यहीं के हैं आते जाते, कि आनंद फानंद में रोड बन रहा था गुणवत्ता विहीन। मुझे भी इस बारे में जानकारी है, जब रोड का निर्माण हो रहा था तब भी मेरे को शिकायत आई थी, तो मैंने जो PWD के SDO साहब हैं उनको मैंने अवगत कराया था कि भी आपकी जो रोड है तकनीकी रूप से सही नहीं बन रही है, टेक्निकली ये फिजिबल नहीं है, और ये बात साबित हो गई एक बरसात में, अगर उसको किसी ने तोड़ दी है या वो टूटी है तो दोनों ही स्थिति में वो गलत है। प्राकृतिक रूप से अगर टूटी है तो भी तकनीकी रूप से ख़राब थी, और अगर अप्राकृतिक रूप से किसी ने तोड़ी है तो भी इसलिए तोड़ी होगी क्योंकि पानी भर रहा होगा, और पानी भर रहा है और वहाँ पर पानी निकलने की प्रॉब्लम। किसानों के फसल जो नुकसान है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें संबंधित विभाग को उसका मुआवजा देना चाहिए कहीं ना कहीं। हम लोगों का एक मिशन है, हमारी सरकार का एक मिशन है विकास, विकास हो, और विकास एक तरफा नहीं चौतरफा विकास हो सारे विषयों पर। आप जिस विषय की बात कर रहे हैं एक उसमें से विकास का हिस्सा वो भी है, रोड। रोड बनाना भर पर्याप्त विकास नहीं, रोड के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, लगन से। लेकिन सर भ्रष्टाचार पे नकल नहीं कस पा रही है? नहीं, देखिए भ्रष्टाचार का जो प्रश्न आप कह रहे हैं, मैं भ्रष्टाचार को ये नहीं मैं मान पाऊंगा। भ्रष्टाचार अगर आपको देखना है और अगर आप मानेंगे तो भ्रष्टाचार जो मनमोहन सिंह की सरकार,
खड़े हैं बरबसपुर मार्ग पे। यह मार्ग 4 किलोमीटर का है जो भुलगढ़ को जोड़ता है। इस मार्ग के जुड़ने से भुलगढ़ निवासियों के लिए यह मार्ग बहुत आसान हो जाता है। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर में तय की जा सकती थी। जो लंबे सफ़र का था वो कम सफ़र में हो सकता, लेकिन यहाँ पर एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना हुई नहीं, दुर्घटना करी गई है। मार्ग इतनी ख़राब और जर्जर स्थिति में बनाया गया था आनन फानन में, जहाँ पर ठेकेदार जल भराव के कारण कहना चाहेंगे इंजीनियर और ठेकेदारों ने मिलकर इस रोड को तोड़ दिया ताकि ये रोड बह ना जाए। हम किसान से जानकारी लेना चाहेंगे, जिनका बगल में खेत भी है, किसान से पूछना चाहेंगे ये जो पुल टूटा है यार, मार्ग टूटा है, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ साहब। कैसे हुआ ये? या इंजीनियर ठेकहा जेबीसी ने किया, मुंशी लई किया, फोन लगाए तो लई किया है, तो अमर टरवाई जे हवे मान लो बाढ़ से नहीं टूटा है। हाँ, बाढ़ से नहीं टूटे, वो लोग खुद टरवाए हैं, खुद टरवाए हैं, बाढ़ और से टूटे नहीं आए। लगभग जो आपका खेत है बगल में, उसमें कितने का नुकसान हो गया आपको? यामा मैं साहब 5,000 के तो बीज ला रहा हूँ, अब यकार उपराज माई माल 50,000 के रही समोर। 50,000 का? 50,000 के, 50,000 का, 50,000 के 5,000 की बीज। आपने कहीं शिकायत की? अबे मैं कहूँ नहीं गया हूँ। नहीं गए? हाँ, मैं जब यहाँ पुल तोड़ा जा रहा था, मार्ग तोड़ा जा रहा था, तब यहाँ पर थे आप? मैं रहा साहब, फिर रात के फिर आए हैं। फिर रात को आए हैं? आए हैं। विरोध किया क्या है आपने? फिर माल ला के वो इंजीनियर है वो ठेकार है, अब फिर रात के आए 8 बजे, रात 8 बजे रात आए। फिर एक ठियाऊ साहब रही में नहीं चीन हूँ मैं। हाँ, वही मैं नहीं चीनों पे दूझे इन रही, फिर उनके गए के बाद या जब लगाए पीरा पीरा तब ट्रैक्टर में आए। ट्रैक्टर में आए? ट्रैक्टर में आए। क्या किए ट्रैक्टर में आने के बाद? फिर हो गया है तो इनका खड़ा करे है, चल दही। इतना मोर जानकारी है, इतना जानकारी है। अब मान ली की आज देखिए किस तरह से किसान बता रहा है कि उसके साथ किस तरह से बर्बरता की गई है, किसान के फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। पहले से तैयारी नहीं की गई थी, जब बाढ़ आया मार्ग क्षतिग्रस्त बनाया गया था, आनन फानन में मार्ग बनाया गया था और मार्ग न बह जाए उसके कारण इन्होंने मार्ग ही तोड़ दिया, ताकि पूरा पानी किसान के खेतों में चला गया, मिट्टी चले गई। हम कैमरामैन को बोलेंगे दिखाने को, थोड़ा कैमरामैन दिखाइएगा, देखिए किस तरीके से किसान के 50,000 फसलों की नुकसान हो पाई है, जिसकी भरपाई करने के लिए कोई नहीं है। शिवराज सरकार कहता है कि मैं किसान हितैषी हूँ, लेकिन उसके प्रशासनिक अधिकारी किसान हितैषी नहीं रह गए, ये साफ साफ दिख रहा है। क्या यही विकास पर्व है? क्या यही अमृत उत्सव चल रहा है? क्या यही सरकार संदेश देना चाहती है कि सरकार किसान हितैषी और प्रशासन किसान विरोधी में चल रही है? MKN न्यूज़ के साथ ओंकार सिंह की खबर।